विलेज बाय दिस बस। सो अभी मैं जाऊंगा यहाँ से ढेंकानाल और फिर एक और बस में जाऊंगा जोरंदा के लिए। गाइस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू शो यू ए बस जर्नी, तो चलिए आज की बस जर्नी का एंजॉय करते हैं। आज हम दो बस में जर्नी करेंगे। सो वेलकम टू द चैनल एवरीवन, दिस इज नीलन एंड यू ऑल आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल फनन नीलन। तो अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 55 है, जो कि कटक से संबलपुर तक जाता है, उसका हालत अब कैसा है। अब ये एक मौत का कुआं बन चुका है। रास्ते में हर जगह गड्ढे हैं और इसका बनावट अब चल रहा है। अब बारिश का मौसम जस्ट गया ही है और रास्ते का हालत आप देख सकते हैं। सो फाइनली आई रीच द ढेंकानाल बस स्टैंड और अब वक्त हुआ है 8:50। का पूरा 2 घंटा ही लगा। 6:50 को निकला था और अब हुआ है 8:50। सो पूरा 2 घंटा बीत चुका है। 1 घंटा जाना है, घर में पहुंचना है। सो अभी बस चेंज करना है और फिर डायरेक्ट जाके जोरंदा में उतरना है। ढेंकानाल से जोरंदा के लिए एक और बस लेना पड़ेगा। इस बार आप लोगों को बस का जर्नी दिखाना था तो इसीलिए बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, वरना ज़्यादातर मैं बाइक में ही ट्रैवल करता हूँ। जब भी मैं अंगुल से आता हूँ जोरंदा तो बाइक में ही आता हूँ। एनीवे ऑल राइट, तो अब चलते हैं और मैं आपको बस भी दिखाता हूँ कौन से बस में जाने वाला हूँ। अभी मुझे इस बस में जाना है, इसका नाम है पायल। वहाँ पर लिखा भी हुआ है जोरंदा करमू, तो मुझे उसी में ही जाना है। एंड दिस इज ढेंकानाल बस स्टैंड। ऑल राइट, अब चलते हैं। आप किसी गांव में जा रहे हो, इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि धान का खेत ज़्यादातर गांव में ही देखने को आजकल मिलते हैं। टाउन में तो बस बड़े बड़े बिल्डिंग्स ही देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए विलेज। सो फाइनली आई रीच दैट माय विलेज। अब थोड़ा वॉक करके जाना पड़ेगा। बस स्टैंड से मेरा घर का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तक चलना होगा और कुछ देर चलने के बाद फिर घर आ जाएगा। एनीवेज गांव बदल रहा है।
क्योंकि पहले जब गांव में हम लोग आते थे तो गांव में झोपड़ी वगैरह होता था, छोटा छोटा घर होता था, लेकिन आज तक बिल्डिंग, आजकल बिल्डिंग हो गया है और ज्यादातर पक्का घर ही बन चुका है। फाइनली इन द एंड आई रीच दैट माई होम, दैट्स माई होम। ओके, अब घर के अंदर चलते हैं। गाइस, रात को हम लोग आए हैं यहाँ पर अब पूजा देखने के लिए। ये मेरा एक कजन ब्रदर है जिसके साथ मैं आया हूँ यहाँ पर घूमने के लिए। इसका नाम है चंदू। सो ऑल राइट, दिस इज द लोकेशन। अब यहाँ पर डेकोरेशन हुआ है और दुर्गा मैया का मूर्ति मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। सो गाइस, इट्स टाइम टू से अलविदा टू माय विलेज। एक दिन के लिए मैं यहाँ पर आया था और अब मैं रिटर्न जा रहा हूँ घर में, यानी कि अंगुल में। सो गाइस, अब इस बस में मैं जो स्ट्रगल करके जा रहा हूँ ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरा हाइट 6 फीट है, लेकिन आगे का ये जो बस छोटा सा बस है और आगे का जो लेग रूम है वो एकदम कम रहता है, तो इस वजह से मैं हमेशा पीछे का सीट प्रिफर करता हूँ। और कुछ कर भी नहीं सकते, रास्ता लंबा है, तो लंबे रास्ते के लिए आप पीछे जब बैठते हो तो बस का पीछे वाला सीट कितना खतरनाक होता है ये सब आपको ज़रूर पता होगा। सो गाइस, बस में सबसे क्यूट लगा ये छोटी सी लड़की जो कि मेरी तरफ देख रही थी। जब मैं कैमरा ऑन कर रहा था तो वो मेरी तरफ देख रही थी, तो इसलिए मैंने उसको शूट करके यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। रावण दहन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब देखिए कितना ज़्यादा स्मोक भरा हुआ है इस एनवायरनमेंट में। जब ये पटाखे फूटते हैं तो इतना ज़्यादा धुआं निकलता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सो गाइस, टुडे इज विजयादशमी एंड आई एम कमिंग हियर टू अटेंड दशहरा फेस्टिवल एंड दिस इज द प्रतिमा। सो रावण दहन में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, अभी थोड़ा दुर्गा पूजा दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी शिव जी और पार्वती जी
शिव जी और पार्वती जी का मूर्ति बनाया गया है यहाँ पर, और इसके वजह से आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। चलिए कहीं दूर में बात करते हैं, आप लोगों को भी दिखाया, सो होप आप सबको मजा आया होगा। तो अब चलिए फिर से मैं आ गया हूँ दशहरा फड़िया में, आप लोग दिखा फ्रेंड्स आई, आप सबको इसके बारे में पता है। तो अब हम लोग आए हैं दशहरा फड़िया घूमने के लिए, अंगुल में आ चुका हूँ, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। ऑल राइट, तो अब अंदर चलते हैं। गाइस, उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, आगे जरूर शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज वीडियो यही खत्म होता है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर स्वीट एफएन फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।